नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। धरा और आलोक की शादी यूं ही अचानक से हो गई थी, इसलिए धरा के ससुराल में मेहमानों की कोई भीड़ भाड़ तो थी नहीं। अगले दिन आलोक अपने ऑफिस चला गया, उसके ससुर जी अपने कपड़ों की दुकान पर चले गए। पीछे से सरला जी और धरा घर में अकेली रह गई। धरा को घर में मन नहीं लग रहा था तो वह रसोई में जाकर अपनी सासू माँ की मदद करने लगी। सरला जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी अभी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है, इसलिए तुम अभी काम रहने दो और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। धरा कुछ बोली नहीं और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि तकिए के नीचे एक पन्ना पड़ा हुआ था। उसने वो कागज निकाला और उसे पढ़ने लगी। उस पन्ने पर लिखा था, धरा मुझे पता है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन तुम परेशान ना होना, तुम पर इस रिश्ते को निभाने का कोई बोझ नहीं है। अगर तुम दिल से मुझे अपना पति स्वीकार कर पाओगी तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा आलोक। धरा को यह पत्र पढ़कर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तुम्हारा आलोक शब्द पढ़ते ही उसके दिमाग में आग लग गई। वो सोचने लगी, एक तरफ तो कहता है कि हम रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ कहता है तुम्हारा आलोक। यह मेरा आलोक कब से हो गया? उसने पत्र को वैसे ही वापस मोड़कर अपनी अलमारी में रख लिया। शाम को पहली रसोई की रस्म में उसने खीर बनाई थी। घर में सभी को खीर बहुत पसंद आई। मनोहर जी ने धरा को एक लिफाफा पकड़ाते हुए उसे ढेरों आशीर्वाद दे दिए। उसकी सास ने उसे सोने के कंगन दिए। आलोक ने धरा को कुछ किताबें दी। उसे पता था कि धरा को पढ़ना बहुत पसंद है। यह सब देखकर धरा के मन में एक कसक सी उठी। यही सब तो उसने अपने ससुराल से उम्मीदें की थी, लेकिन काश कि लड़का भी उसकी पसंद का होता। आलोक धरा से एक निश्चित दूरी बनाकर रखता था, वो उससे ज्यादा बातें भी नहीं करता था, इसलिए धरा को अब उसके आसपास होने से असहजता महसूस नहीं होती थी। वैसे भी धरा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसका होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। धरा अपने ससुर मनोहर जी से भी चिढ़ी हुई थी, लेकिन सरला जी से उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार मिला था, जिसके कारण वो धीरे धीरे सरला जी के करीब होती जा रही थी। दोनों बिल्कुल माँ बेटी की तरह साथ मिलकर घर के सारे काम निपटाती थी, ढेर सारी बातें करती थी। एक सप्ताह के बाद धरा अपने मायके गई तो उसे देखते ही उसकी मामी ने उसे गले से लगा लिया और पास बिठाकर बड़े ही प्यार से उसके ससुराल का हाल चाल लेते हुए पूछने लगी कि बेटी तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना, परिवार में सभी का व्यवहार कैसा है। मामी के प्रश्न के उत्तर में धरा ने फीकी सी मुस्कान के साथ कह दिया कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक दर्द सा उठा। सभी लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ससुराल की मैंने कामना की थी, लेकिन फिर भी मैं खुश कहाँ हूँ। अगर मेरी पसंद का जीवन साथी होता तो शायद ऐसा ही ससुराल एक परफेक्ट ससुराल होता। 5 दिनों तक मायके में रहने के बाद धरा वापस ससुराल चली गई। उसे लेने के लिए आलोक आया हुआ था। उसके पीछे बाइक पर बैठकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे मीलों की दूरी पर बैठी हो। रास्ते भर वो दोनों चुप ही रहे। बाजार से गुजरते समय धरा ने आलोक से कहा, मुझे कुछ सामान लेना है। आलोक ने बाइक एक किनारे लगा दिया और धरा के पीछे पीछे बाजार में चल पड़ा। धरा ने जरूरत का कुछ सामान खरीदा। आलोक ने आगे बढ़कर उसके हाथों से शॉपिंग बैग ले लिए और दोनों वापस बाइक की तरफ आने लगे। तभी अचानक तेज बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए पास के ही दुकानों के पास धरा और आलोक ने आश्रय लिया। पीछे एक चूड़ी वाली चूड़ियां बेच रही थी। धरा को देखते ही वो कहने लगी, अरे बिटिया चूड़ियां ले लो, देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां आई हैं। धरा ने सरसरी निगाहों से चूड़ियों को देखा और लाल रंग की चूड़ियों पर उसकी नजर ठहर गई, जिसमें सुनहरे रंग की धारियां बनी हुई थी। उसे चूड़ियों को देखते हुए आलोक ने देखा तो कहा कि तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। धरा ने अनमने ढंग से कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो सोचने लगी कि ये श्रृंगार किसके लिए करूं, जब मनचाहा पति ही नहीं है तो किसके लिए सजना संवरना। इतना सोचकर वो दूसरी ओर मुंह घुमाकर बारिश को कोसने लगी।
बारिश तो वैसे भी उसे पसंद नहीं थी, आखिर इस बारिश ने ही तो उसे ऐसी परिस्थिति में आलोक के साथ फंसा दिया था। तभी आलोक उसके पास वो चूड़ियां खरीद कर ले आया और बोला, अगर कभी मन करे तो पहन लेना, ये रंग तुम्हारी कलाइयों पर बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर उसने चूड़ियों को बैग में डाल दिया। आलोक ने आज पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उस पर एक अधिकार जताया था। न जाने क्यों आलोक का ऐसा करना धरा के मन के किसी कोने को छू गया था। उसे आज आलोक पर गुस्सा भी नहीं आया, लेकिन उसने अपने मन को कठोर करते हुए सोचा, नहीं पहननी मुझे ये चूड़िया, केवल खरीदने से क्या होता है, मैं पहनूंगी ही नहीं। बारिश की वजह से धरा का सिर हल्का सा भीग गया था और उसे छींके आने लगी थी। आलोक उसके लिए चाय लेकर आया। गर्मा गर्म चाय पीकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी तो दोनों घर के लिए निकल पड़े, लेकिन बारिश में भीग जाने की वजह से धरा को देर रात तेज बुखार आ गया। उसका माथा तेज बुखार से तपने लगा था। आलोक रात भर उसके लिए जागता रहा। उसने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी की, उसे दवाई दी। आज पहली बार धरा आलोक को अपने इतने पास महसूस कर रही थी। न जाने क्यों उसका मन आलोक के करीब खींचा चला जा रहा था। वो अपने मन को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन आज वो आलोक के रूप रंग से हटकर उसके भीतर गुणों से प्रभावित होने लगी थी। शायद उसके दिल में प्रेम का अंकुर फूटने लगा था, लेकिन वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। सुबह तक धरा स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर आई तो आलोक ऑफिस जा चुका था। सरला जी ने झट से पूछा, बेटी तबीयत कैसी है? उसने कहा, ठीक हूं मां। आज खाना बनाते समय न जाने क्यों अनायास ही धरा ने फ्रिज में से बैंगन निकाल लिए और बैंगन का भरता बनाने लगी। आलोक को बैंगन का भरता बहुत पसंद था। आज जब आलोक ऑफिस से आया और लंच में बैंगन का भरता देखा तो बहुत खुश हुआ और उसने उंगलियां चाटकर खाना खाया। यह देखकर धरा का मन खुशी से भर उठा। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कर रही है। शाम को जब आलोक ऑफिस से घर आया तो उसने बताया कि ऑफिस के काम से उसे 6 दिनों के लिए उत्तराखंड जाना होगा। वहां उसका कोई दोस्त है, वो वहीं रुकेगा। यह खबर सुनकर धरा को बहुत बुरा लगा। सरला जी दोनों के रिश्ते की सच्चाई से अनजान थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहू को भी साथ ले जाओ। लेकिन आलोक तो जानता था कि धरा को उसका साथ रास नहीं आता है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं माँ ऑफिस का काम है तो मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगा। धरा को न जाने क्यों आलोक के दूर जाने की खबर सुनकर बहुत घबराहट होने लगी थी। अगले दिन आलोक निकल गया। ऑफिस तो वो रोज ही जाता था, लेकिन आज धरा बहुत अनमनी सी हो गई थी। उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा था। 2 दिन किसी तरह बीते, आलोक वहां पहुंच गया था। शाम को न्यूज आने लगी कि आलोक जिस एरिया में गया हुआ है वहां भयंकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बहुत सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। यह खबर सुनकर धरा घबरा गई और उसने जल्दी जल्दी आलोक को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। धरा का कलेजा मुंह को आने लगा, उसके आंखों से पानी बहने लगा। इसी तरह तो बरसों पहले उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वो कांप उठी कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। आज उसके दिल से सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह रहे थे। उसे अब केवल आलोक चाहिए था और वह भी सही सलामत। आज वो आलोक के लिए इतनी बेचैन हो उठी थी कि उसे पता चल गया था कि वो आलोक को चाहने लगी है। उसे खुद ही पता नहीं चला था कि वह कब आलोक के प्यार में पड़ गई थी। आलोक के माता पिता भी बहुत परेशान थे और उसे बराबर फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके ऑफिस में भी फोन किया गया, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। धरा अपने कमरे में आई और घबराहट में आलोक की डायरी निकालकर उसके दोस्त का नंबर ढूंढने लगी कि शायद उससे कुछ पता चल जाए। कोई नंबर तो नहीं मिला, लेकिन आलोक की डायरी में उसे आलोक के प्यार का सबूत जरूर मिल गया। आलोक धरा से बहुत प्यार करता था और वह उससे शादी से पहले से ही प्यार करता था, लेकिन उसने यह बात किसी को बताई नहीं थी। शादी के बाद भी उसने यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि शायद धरा को उसका प्यार भी दिखावा ही लगता। यह सारी बातें पढ़कर धरा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका आलोक सही सलामत वापस लौट आए। वो रोती हुई कहने लगी, हे ईश्वर मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह मत देना, मेरे आलोक को मुझसे दूर मत करना। तभी फोन की घंटी बजी। धरा ने लपक कर फोन उठाया। उधर से आलोक की आवाज सुनकर धरा का मन खुशी से भीग उठा और वो एक ही सांस में कहने लगी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी, आप जल्दी से मेरे पास वापस आ जाइए।
एक साथ इतने सारे शब्द धरा ने आलोक से पहले कभी नहीं कहे थे। आलोक सुखद आश्चर्य से भर उठा और कहने लगा, मैं ठीक हूँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा था इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाया। जैसे ही रास्ते खुलेंगे मैं जल्दी से वापस आ जाता हूँ। घर में भी सबको बता देना, यहाँ सिग्नल कमजोर है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है और अपना ध्यान। ऐसा कहते कहते ही फोन कट गया। धरा के मन में एक सुकून भर उठा कि उसका आलोक ठीक है। उसने अपने सास ससुर को सब बताया। सभी ने राहत की सांस ली और बेसब्री से आलोक के वापस आने का इंतजार करने लगे। 4 दिनों के बाद आलोक वापस आने वाला था। धरा ने आलोक के मन पसंद लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी दी हुई लाल वाली चूड़िया भी पहन ली थी। आज वह बहुत खुश थी। आज वह आलोक के सामने अपने प्यार का इजहार कर देने वाली थी। आलोक जब घर पहुंचा उस वक्त उसके मम्मी पापा मंदिर गए हुए थे। घर आते ही उसने देखा कि धरा सजी धजी उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही वो पलके झपकाना भी भूल गया। धरा मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उसके हाथों में वो चूड़िया देखकर आलोक बोल पड़ा, ये चूड़िया तुम्हारी कलाई में बहुत खूबसूरत लग रही है। धरा ने शर्मा कर पलके झुका ली और उसके चरणों में झुकते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने प्यार का अधिकार देंगे। आलोक ने उसे झट से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, इस दिल में तुम्हारा नाम तो कब से छुपा हुआ है, बस मैं कहने से डरता था। आलोक ने अपने कांपते होठों से उसके माथे को छुआ और धरा का चेहरा सुर्ख लाल हो उठा। आज धरा को यह एहसास हो गया था कि रूप रंग से बढ़कर प्यार होता है और वो प्यार जिसने पा लिया वही दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है। आज वो अपने ससुर जी की बहुत आभारी थी कि उन्होंने सही वक्त पर आलोक के साथ उसका रिश्ता करवाया। अब वह उनसे इस बात के लिए नाराज नहीं थी कि वो उसे कोई वस्तु समझकर अपने बेटे के लिए लेकर आए थे। अब वो बहुत खुश थी कि उसके ससुर जी की वजह से उसे इतना अच्छा परिवार मिला। बाहर फिर से बरसात होने लगी थी लेकिन आज की बारिश धरा के मन को एक मीठे एहसास से भर रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।